पवित्र नगरी मुल्ताई में पुलिस ने एक अनूठी पहल की है। आपको बता दें कि शिकायत शिविर लगाया गया, जिसमें तुरंत ही जनता के शिकायतों का निवारण किया गया। पवित्र नगरी मुल्ताई में शनिवार को जिला पुलिस अधीक्षक की अनूठी पहल पर आम जनता के लिए शिकायत निवारण शिविर का आयोजन मुल्ताई थाना परिसर में किया गया। शिविर में विशेष रूप से मुल्ताई SGM IUS हरसिमरनप्रीत गौर, SGOP नम्रता सोधिया और थाना प्रभारी संतोष पंद्रे उपस्थित रहे। SGOP सोधिया ने बताया, पुलिस अधीक्षक शिमला प्रसाद के नेतृत्व में जिले में जन शिकायतों के निराकरण के संबंध में अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज शनिवार को मुल्ताई थाना परिसर में शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में जमीनी विवाद, महिला अत्याचार, महिला अपराध, साइबर क्राइम, झगड़ा, फसाद, मारपीट, चिटफंड संबंधी शिकायतों का निराकरण किया गया। IBN 24 न्यूज के लिए अनिश नायर की रिपोर्ट। शिकायत निवारण शिविर लगाया गया है, इस संबंध में बताएं। पुलिस अधीक्षक महोदय बैतूल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय बैतूल के निर्देशन में लगातार समस्त जिले में एक अभियान की तरह जन शिकायत निवारण शिविर लगाया जा रहा है, जिसके चलते आज थाना मुल्ताई में अनुभागीय अधिकारी मैं नम्रता सोधिया और थाना प्रभारी मुल्ताई के द्वारा समस्त शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारा प्रयास रहेगा कि हम जो भी समस्याएँ हैं आवेदक अनावेदक पक्ष को ऑन स्पॉट सुनकर उनकी शिकायत का तत्काल निराकरण कर सके। अभी तक कितनी शिकायतें अपन दर्ज कर चुके हैं मैडम? ये पुरानी शिकायतें हैं जिनका आज निराकरण करने का हम प्रयास कर रहे हैं। अभी आंकड़ा सामने नहीं आया है, जैसे ही शाम को ये शिविर खत्म हो जाएगा उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमने कितनी शिकायतों का आज निराकरण किया। धन्यवाद। समस्या लेकर आप आए? मैं यहाँ धुरे की समस्या के लिए आया था। जिस क्या हो रहा था धुरे को लेकर? झगड़ा हो रहा था, तो इसकी समस्या के लिए मैं आया था, जिसका निराकरण हो गया। आप संतुष्ट हैं?